हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो भाई साहब, जब से सलार मूवी ऑफिशियली पोस्टपोन हुई है तो तब से सलार मूवी की न्यू रिलीज डेट को लेकर तरह तरह के अपडेट देखने को मिल रही थी। यानी कि ये मूवी दिवाली पर टाइगर 3 मूवी के साथ क्लैश करने वाली है, 24 नवंबर को आने वाली है, 1 दिसंबर को आने वाली एनिमल मूवी के साथ क्लैश करने वाली है। लेकिन भाई साहब, ये सारे र्यूमर थे, लेकिन अब ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि हमेश सर ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेकडाउन की है। यानी कि उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट कर बता दिया है कि भाई साहब, सलार मूवी 22 दिसंबर 2023 को आने वाली है। यस गाइस, यानी कि 22 दिसंबर को ये मूवी इसी साल आने वाली है। और आप सबको पता है कि 22 दिसंबर वाले दिन डंकी मूवी भी रिलीज होने वाली है। यस गाइस, यानी कि सलार वर्सेस डंकी का क्लैश हमें देखने को मिलने वाला है। और मैं अगर इस क्लैश को इंडियन इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश बोलूं तो भाई साहब गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी मूवीज हैं, मासी मूवी हैं। यानी कि एक तरफ बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी और दूसरी तरफ मास एंटरटेनमेंट वाली मूवी, यानी कि राजकुमार ईरानी, जो कि आप सबको पता है कि जब भी अपनी मूवी लेकर आए वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है। और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ का यूनिवर्स बनाया और वो सलार मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर न्यूज़ आ रही है कि ये जो मूवी है भाई साहब केजीएफ यूनिवर्स की मूवी है, यानी कि केजीएफ से कनेक्टेड होने वाली। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि दोनों ही बहुत बड़ी मूवीज हैं और दोनों ही अब सेम डेट पर आ रही है। तो दोस्तों, अगर दोनों ही मूवी सेम डेट पर आती हैं तो नुकसान एक मूवी को नहीं होगा, यानी कि नो डाउट सलार बहुत बड़ी मूवी है, दूसरी तरफ डंकी भी बहुत बड़ी मूवी है। यानी कि दोनों मूवीज लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जो 1000 करोड़ का नंबर है वो आसानी से पार करने वाली है, अगर ये दोनों मूवीज सोलो रिलीज होती है। लेकिन जब दोनों मूवीज क्लैश करेंगी तो भाई साहब, ओवरसीज में भी दोनों ही स्टार की फैन फॉलोइंग तगड़ी है, यानी कि ओवरसीज में भी दोनों ही मूवीज के कलेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और उसके साथ साथ इंडिया में भी इन दोनों ही मूवीज के कलेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आप सभी को पता है कि हिंदी ऑडियंस भी चाहती है कि वो सलार मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे, डंकी मूवी के जो फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि वो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे। तो दोस्तों, अगर दोनों ही मूवी सेम डेट पर आएंगी तो भाई साहब दोनों ही मूवीज को स्क्रीन आधी आधी मिलेंगी, और दोनों ही मूवीज का जहां पर कलेक्शन फर्स्ट डे का 60-70 करोड़ होने वाला था, वहां पर दोनों ही मूवीज का जो कलेक्शन है फर्स्ट डे का वो भाई साहब 25-30 करोड़ रह जाएगा। यानी कि आप सभी देख सकते हैं कि 50% का गैप देखने को मिलेगा कलेक्शन के। यानी कि जहां पर मूवी पहले 10 दिनों में 500 करोड़ कमाने का दम रखती थी, वहां पर ये मूवी 20 दिन में भी 500 करोड़ का जो नंबर है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, इस तरह एसआरके वर्सेस जो प्रभास होने वाला है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि दोनों ही बड़ी मूवीज़ हैं, और अगर दोनों मूवीज सेम डेट पर आएंगी तो भाई साहब ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो लोग बार बार मूवीज़ को देखते हैं और अपने स्टार को सपोर्ट करते हैं, तो भाई साहब जब दोनों ही स्टार एक साथ एक डेट पर आएंगे तो पब्लिक भी पूरे तरीके से कन्फ्यूज हो जाएगी। तो दोस्तों, आप ऑफिशियली कन्फर्म चुका है कि सलार मूवी वर्सेस डंकी मूवी का ऑफिशियली क्लैश होने वाला है 2023 पर, यानी कि दिसंबर 2023 पर इन दोनों ही मूवीज का क्लैश होने वाला है। तो दोस्तों, आप किस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें।